क्या हुआ वाकू? तू आंखें बंद करके क्यों बैठा है? कुछ सोच रहा है या साधना चल रही है? मैं नागिस्तान से संपर्क कर रहा हूँ। क्यों? अरे हाँ, तुझे कितने दिन हो गए नागिस्तान से आए हुए। सबकी याद आ रही होगी ना? हाँ, वो तो है ही, लेकिन इस बार नागिस्तान से संपर्क करने की वजह कुछ अलग है। क्या वजह है? सुरसुरी, मैं देखना चाहता हूँ बोवा कर क्या रही है। उसका गुस्सा शांत हुआ है या उसके मन में अब भी बदले की भावना कायम है? इच्छा, अगर वो फिर से यहाँ आकर तुम्हें बाकू, वो अब यहाँ कभी नहीं आएगी। उसके पास एक ही शक्ति थी, रूप बदलने की, जिसे मैं पहले ही मात दे चुकी हूँ, और इसलिए वो यहाँ आने की। इच्छा, जहाँ तक मैं सुरसुरी को जानता हूँ, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। बाकू, तू खामखा परेशान हो रहा है। सुरसुरी का वापस यहाँ आना नामुमकिन है, और अगर गलती से वो आ भी गई तो मैं 2 मिनट में उसे पकड़ लूंगी, और ये बात वो भी जानती है, इसलिए वो मेरे सामने रूप बदल कर तो आ ही नहीं सकती। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मुझे, अगर तू ज्यादा देर यहाँ रुका तो बब्बल जी आ जाएंगे, फिर तो तू। नहीं नहीं नहीं, फिर मैं यहाँ से भागता हूँ। जल्दी जा। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही थी। सुरसुरी मेरे सामने रूप बदल कर आएगी तो 2 मिनट में पकड़ लूंगी। सामने ही तो थी, कहां पकड़ पाई। इच्छा, इस बार तो मैंने सिर्फ तुझे चकमा दिया, बहुत जल्द मैं तुझे मार दूंगी ईमान से। ए जी, चाय टेबल पर रखी है, नहाने के बाद पी लेना। ये लो, कपड़ों को देख लो, इनसे अच्छा तो अप्पू है, 4 बार डांट खाने के बाद 5वीं बार काम तो करता है। ये तो दिन में 17 बार कपड़े बदलते हैं। इतना लंबा बाल इनकी शर्ट पर, गिनचुन का 2 इंच की तो खेती है इनके सर पर। कहीं ये मेरा बाल तो नहीं है? शायद मेरे बाल झड़ने लग गए हैं, तभी तो प्रबल जी मुझसे दूर दूर भागते हैं। नहीं नहीं नहीं, कहीं माँ जी का तो नहीं है? पूछती हूँ उनसे। माजी का भी नहीं है। अरे ममता, आ गई तू? चल संभाल अपनी रसोई, आज खाना बनाने की तेरी बारी है। ऐसा कर, बढ़िया सी कड़ी। और माजी, आज का खाना आप बना देंगी? मैं? मेरा मन नहीं कर रहा है माजी। आज का खाना आप बना दीजिए, अगले पूरे हफ्ते का खाना मैं बना दूंगी। अच्छा अच्छा, जा तू आराम कर, मैं बना देती हूँ। जा। दादी जी का तो हो नहीं सकता, उनके बाल सफेद हैं। रही इच्छा, उसके बाल भी तो भूरे रंग के हैं। फिर ये बाल है किसका? अरे यही कि शादी के बाद ना बोलने की आजादी होती है ना घूमने फिरने की, हर चीज पे पाबंदी। बात यहाँ तक पहुंच गई है कि मैं शादी करके फंस गया हूँ। मन तो कर रहा है कि उसे छोड़ दूँ और खुद कहीं दूर भाग जाऊँ। इसका मतलब मेरे अलावा इनकी जिंदगी में कोई और? तभी ऐसे तो बब्बल जी बड़े सुलझे हुए हैं, लेकिन अनुशासन के मामले में जरा भी उन्हें।
लिपस्टिक का दाग? यहाँ कैसे? मैंने आखिरी बार कब किस किया था बब्बल जी को? इच्छा, तू भी ना, जब तेरे पास इस रंग की लिपस्टिक ही नहीं है तो मुझे बब्बल जी से पूछना ही होगा। कहाँ जा रही हो तुम? मैं बब्बल जी के पास जा रही हूँ, उनकी शर्ट पर। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। बोलने की जरूरत भी नहीं है, मैंने सब कुछ देख लिया है। वागू, ये देख, ये मेरी लिपस्टिक का निशान नहीं है। वो कौन लड़की है जो बब्बल जी के इतने करीब है? बब्बल जी को इसकी सफाई देनी होगी। अपनी फुफकार को लगाम दो, फोन ठंडा रखो अपना। लेकिन वागू, इच्छा तुम बिल्कुल औरतों की तरह क्यों सोच रही हो? औरतों की तरह मतलब? वाकू, मैं औरत ही हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें इंसानी बीवियों की लत लग गई है। पता है, उन्हें अपने पतियों पर शक करने की बीमारी होती है। वाकू, तो ये इच्छा, इससे पहले तुम्हारी बीमारी बढ़े इसका इलाज करवाओ। इस तरह बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने किसी नतीजे पर पहुँचना ठीक बात नहीं है। पहले इस शक की जड़ तक पहुँचो, उसमें कुछ सच्चाई दिखाई दे तो। वाकू, ये देखने के बाद तो किसी को भी शक होगा। मेरी बात मानो, तुम बबल पर नजर रखो। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, तुम अपनी आंखों से देखो। अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इच्छा, बबल, तू यहाँ कैसे? तू तो अभी अभी बाहर था ना? फिर माँ, आप भी ना, आप मुझसे इतना प्यार करती हो ना, आपको हर जगह सिर्फ मैं नजर आता हूँ। चलिए ये सब छोड़िए, आप यहाँ कुछ काम था आपको? हाँ, इच्छा से काम था। ओ, इच्छा बाजार जाकर आमचूर और भिंडी ले आएगी। आज मुझे भरवा भिंडी बनाने का मन कर रहा है। अब जी माँ जी, मैं ले आऊंगी, लेकिन आज तो ममता दीदी खाना बनाने वाली थी ना? हाँ, वही बनाने वाली थी, लेकिन मैंने जब उसे पूछा तो कहने लगी मन नहीं है। पता नहीं क्या हो गया उसे अचानक, बड़ी उदास उदास लग रही थी। इच्छा बेटा, एक बार तू भी उसे बात करके देख लेना, हो सकता है तुझे कुछ बता दे। लेकिन सुन, भिंडी और आमचूर जरूर ले आना बाजार से। माँ जी को सब्जी की पड़ी है या मेरी शादी को तड़का लगा है? मैं अब भी बब्बल जी से जाकर। अरे तकिया क्यों फेंक रही है ममता? अभी तो दिन है, दिन में थोड़ी ना सोते हैं। आपको सोने की पड़ी है? आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, धोखा दिया है। आपकी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। अच्छाई? अरे हाँ हाँ, मेरी अच्छाई के गुणगान तो पूरी दुनिया गाती है। अब तुझे भी गाना है तो तू भी गा ले। और तकिया के साथ क्यों? बैंड बाजा बुला देता हूँ। हाँ हाँ, अब तो बैंड बाजा लाएंगे ही। किसी के साथ हाथ? हाँ हाँ, हाथ तो पकड़ा है, वो भी पूरी जिंदगी भर के लिए। बेशर्मो की तरह कबूल भी रहे हो। अरे तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है? हाँ? अरे ये कौन सा तरीका है गुणगान गाने का? गुणगान कहाँ के, मैं बताती हूँ। मैं तो आपको अरे ममता, अरे तोहफा ऐसा थोड़ी ना देते हैं, तोहफा प्यार से देते हैं। दूंगी, ऐसा तोहफा दूंगी आपके कान ठिकाने पर आ जाएंगे। बबल ठीक कहता है, ये औरतें भी बड़ी अजीब होती हैं। कभी प्यार से गुस्सा करती हैं, कभी गुस्से से प्यार करती हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या बबल जी की जिंदगी में वाकई में कोई? नहीं नहीं नहीं, मन तो नहीं मान रहा, लेकिन क्या बता। बबल जी, मैं आपका कहा ना मानू, ऐसा हो सकता है क्या?
ये बब्बल जी से मैं तो खुद बेकरार हूँ, बेसब्री से आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रही हूँ। लेकिन देखिए ना, एक घड़ी के कांटे दुश्मन बने बैठे हैं, कितने धीमे चल रहे हैं। कब दिन ढलेगा, कब शाम होगी और कब हम मिलेंगे? इच्छा, तू भी ना माँ को सच कहता है, शक करने की बीमारी लग गई है तुझे। अरे दुनिया में सिर्फ तेरे ही बब्बल जी थोड़ी ना है, कोई और बब्बल भी हो सकता है। अरे हाँ, प्रबल भैया और सबल भैया दिखे थे मार्केट में। नहीं नहीं, मैंने उनसे कोई बात नहीं की। वो क्या है ना कि अभी हमारा रिश्ता नहीं जुड़ा ना, तो किस अधिकार से बात करूं? अरे हाँ हाँ, जानती हूँ, पूरा विश्वास है मुझे आप पे। चलिए शाम को मिलते हैं। अरे हाँ, मेरी पसंदीदा ब्लू वाली शर्ट जरूर पहन के आइएगा, बड़े हैंडसम लगते हो आप उसमें। ये कहाँ गई? बब्बल जी, अरे हाँ, मेरी फेवरेट ब्लू वाली शर्ट जरूर पहन के आइएगा, बड़े हैंडसम लगते हो आप उसमें। बब्बल जी, सुबह तो आपने कहा था कि आप पार्टी में पिंक शर्ट पहन के जाएंगे, फिर आपने नीली वाली शर्ट क्यों पहनी है? किसके कहने पर पहनी है? तुम्हारे कहने पर। मेरे कहने पर? मैंने आपसे कब कहा? कहा नहीं, लेकिन तुमने खुद इस नीली शर्ट को आयन करके यहाँ रखा था, तो मुझे लगा तुम चाहती हो कि मैं यही पहनूं। मैं चाहती हूँ? हाँ। मैं चाहती हूँ या कोई और चाहता है? बस कीजिए बब्बल जी, कहानियां बहुत बना ली आपने, आपकी पोल खुल चुकी है। पोल? कैसी पोल इच्छा, तुम भी ना। आप मुझे धोखा दे रहे हैं बब्बल जी। धोखा दे रहा? हाँ, लगता है आपका मन भर गया है मुझसे, या फिर शायद मैं कभी आपके मन में थी ही नहीं। अच्छा, तुम पागल हो गई हो क्या? पागल थी, अब दिमाग ठिकाने पर आ गया है। आपकी बेवफाई के सारे सबूत सामने हैं। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम, जो भी कहना है साफ साफ कहो, पहले मत बुझाओ। अब तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आपकी हरकतें सब कुछ कह रही है। अरे कैसी हरकतें? मुझसे तो बोला भी नहीं जाएगा, छी छी छी। लेकिन बब्बल जी, इतने अच्छे घर, इतने अच्छे संस्कारों में पलने बढ़ने के बाद अब जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं ना, छी छी छी। देखो अच्छा, अगर तुम्हें मुझसे इस तरह बात करनी है तो आई एम सॉरी, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तो आपको मुझ में ही इंटरेस्ट नहीं रहा, फिर मेरी बातों में कहां से इंटरेस्ट होगा? अच्छा क्या हो गया तुम्हें, क्यों मूड खराब कर रही हो मेरा? यार पार्टी में जाना मुझे, प्लीज जान तो शांति से यार। इच्छा और बबल के रिश्ते की उल्टी गिनती शुरू। अभी भी गुस्से में है, क्या करूं, अभी जाके मनाऊं या फिर? अरे नाना, बबल अभी जाके मना ले, औरतों का गुस्सा ज्वालामुखी जैसा होता है, जितना दबा रहे उतना ही ज्यादा भड़कता है। चल अभी जाके मना ले। क्या है? अरे चाकू संभाल रानी, ये चोर चक्कों के हाथ में शोभा देता है, तेरे जैसी भोली भाली लड़कियों के हाथ में नहीं। मैं भोली हूँ, सीधी हूँ, लेकिन आप धोखेबाज हैं। मैंने किया क्या है? अरे वाह, किया क्या है? बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है ना, तो उसे लगता है किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन मैंने देख लिया है। अच्छा, अरे बिल्ली आंख बंद करके दूध पीगी तो उसे डांटना, मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही है तू? जितना आप भोले बनते हो ना, उतने हो नहीं, मुझे सब पता चल गया है। जल गया है? क्या जल गया है रानी? मेरी किस्मत जल गई है, पूरी की पूरी। ओ, पूरियां जल गई हैं।
लेकिन पूरियां जलने से मेरा क्या लेना देना? मैंने थोड़ी ना जलाई है पूरियां, तुम मुझ पर। ठीक है ममता रानी, मैं बाद में आता हूं। मेरी क्या गलती है रानी? अरे इच्छा, तुम सोई नहीं अब तक? बब्बल जी, घड़ी देखी आपने? यो। आज कुछ जल्दी घर नहीं आ गए आप? यार अब तुम फिर से शुरू हो गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं पार्टी में जा रहा हूँ, आने में देर हो जाएगी। लेकिन इतनी देर होगी ये तो नहीं बताया था ना आपने? अरे इच्छा, मैं पार्टी में गया था, स्कूल में नहीं, जो टाइम पे छूटता। अरे पार्टी थी, दोस्त मिले थे यार मुझे अपने। दोस्त मिले थे? अरे या खास दोस्त मिली थी यार, अब तो हंग ही हो गई है। तुम्हारे दिमाग में सारी बातें आते कैसे हैं? तुम मुझ पर शक कर रही हो? मुझ पर? मुझे कोई शौक नहीं आप पर शक करने का। आपकी हरकतें ऐसी हैं। अरे क्या हरकतें लगा रखा है? क्या हरकतें? क्या किया मैंने? बताओ मेरा अब बताओ क्या किया मैंने? तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है मुझे। अच्छा वैसे भी तुमसे कोई बात करने कोई फायदा नहीं है, तुम उसका गलत मतलब ही निकालोगी। मैं जा रहा हूँ बाहर सोने। और हाँ, बाहर कोई हरकत करने मत आना। Nonsense. आ जा इच्छा, जल्दी बाहर आ जा, अब तेरे शक का ज्वालामुखी फटने ही वाला है। खुद से ज्यादा भरोसा है ना तुझे अपने पति पर? अब उसी भरोसे के चीथड़े उड़ेंगे जब तू बबल के बिस्तर पे एक पराई लड़की देखे। इच्छा आज ना मैं तुझे हिला के रख दूंगी, ईमान से डस लूंगी। अरे इच्छा कहाँ रह गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। जैसे ही वो आएगी मैं रूप बदल के बबल के बगल में लेट जाऊंगी, और जब वो ये देखेगी उसकी नींद उड़ जाएगी। आ रह गई है, देख के आती है। रे इस साल बड़ी गर्मी है, पिछले साल ना थी। पर ये भूलने की आदत तो सब्बल को है, पर कभी कभी उसकी माँ भी ये बीमारी उधार ले ले वह है। वह कला सूख गया हमारा तो, वो पानी रखना भूल गई, पता नहीं किस उधेड़ बुंज में रहवा है। हद हो गई इससे तो, पानी तक ना रख सकती हो। अब जा घूमते फिरो। आउच। मेरा फन दर्द से घूम रहा है। क्यों इच्छा, आ गई अकल ठिकाने? हो गया शकदूर, लेकिन इस बार मैं नहीं मानने वाला हूं। इच्छा तुमने मुझे फिर बहुत हर्ट किया। जाओ ऐसे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ। अरे इच्छा जाओ ना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।